राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। केस बढ़ने के बाद दिल्ली में जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें भी हटा लिया गया है, लेकिन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है, जिसे हटाने को लेकर अब दिल्ली में मांग तेज होने लगी है। बता दें कि दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिख जल्दी से जल्दी DDMA की मीटिंग बुलाने की मांग को लेकर लिखा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% हो गया है। सोमवार को कोरोना के सिर्फ 360 नए केस आए। अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। दिल्ली में कोरोना की पांचवी लहर समाप्ति की ओर है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की आखिरी मीटिंग 4 फरवरी को हुई थी। पिछली मीटिंग को आज 18 दिन हो गए हैं। हम मांग करते हैं कि DDMA की बैठक बुलाई जाए, दिल्ली के ताज़ा हालात पर समीक्षा हो और साथ ही अन्य सभी पाबंदियों को हटा दिया जाए। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले घटने के बाद जारी नाइट कर्फ्यू से लोगों को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए ब्रजेश गोयल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, अभी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे बाजारों में रात के वक्त लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। ऐसे में कर्मचारियों को मार्केट पहुंचने और वहां से लौटने में परेशानी होती है। इसी तरह रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक ओपन है तो यहां से भी गेस्ट और वर्कर को निकलने में देरी हो जाती है। शादी ब्याह रात में होते हैं, मेहमानों को घर लौटने में पुलिस पूछताछ करती है। अभी दिल्ली के बाजारों में दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। इसका टाइम भी बढ़ाना चाहिए। इवेंट और एग्जीबिशन से जुड़े लोग भी परेशान हैं, वे काम नहीं कर पा रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली में तमाम जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महिलाओं के फोन आ रहे हैं कि किस तरह प्रोग्राम आयोजित करें। दिल्ली में बगैर मास्क वालों से 2000 रुपये का चालान वसूला जा रहा है। ये राशि काफ़ी अधिक है। इसकी आड़ में रिश्वतखोरी बढ़ रही है। पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारी जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये राशि घटाकर 500 रुपये की जानी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख यूपी और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू और बाकी सभी पाबंदियों को हटाने का जिक्र करते हुए दिल्ली में रेस्टोरेंट की तरह दुकानों को बंद करने की टाइमिंग को रात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक करने की मांग की। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे राज्य यूपी और हरियाणा ने कोरोना के कम मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे लोगों को खासकर व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 25 फरवरी को DDMA की बैठक होनी है। ऐसे में देखना ये होगा कि 25 फरवरी को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा या फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।